किसी भी व्यक्ति को उस परिस्थिति में मदद करते हैं जब वो व्यक्ति सबसे ज्यादा सफर में है। अदरवाइज पुलिस के पास कोई नहीं जाता। जब व्यक्ति मुश्किलों में है, जब व्यक्ति समस्या से घिरा हुआ है, जब एक कॉमन मैन एक अपेक्षा करता है कि हमारी इस परिस्थिति से हमें निजात दिलाने के लिए पुलिस में मदद करे, उस स्थिति में अगर थाने पे कोई पुलिस वाला बैठा है और वो उसे संयमित व्यवहार नहीं करता, वो स्वयं शराब का सेवन करके वहां बैठा अथवा अभद्र भाषा में बात करता, तो आप समझें कि वो हारा हुआ व्यक्ति जो हर तरफ से मार खाके हर तरफ से दुविधाओं और व्यवस्थाओं से घिरा हुआ जब वो आपके थाने में पहुंचता है, तो उस व्यक्ति के मन मस्तिष्क पे क्या प्रभाव है? आप स्वयं उसकी जगह स्वयं को अभी हमारे पत्रकार बंधु लोग हमसे मिलने आते हैं, अभी हाल में ही मुझे एक वीडियो में दिखाया, अभी दो चार लोगों को मैंने कार्रवाई भी की थी, बहुत शर्मनाक स्थिति है। अभी एक तत्व में एक तर्क होता, मैं इस मंच के माध्यम से आपको ये बताना चाहूंगा कि आप सभी मच्योर हैं, आप सभी 18 वर्ष 21 वर्ष की जो आयु सीमा है किसी भी चीज के सेवन करने की उसको पार कर चुके हैं, कोई रोक टोक नहीं है। गवर्नमेंट ने भी किसी किसी खास चीज को एनडीपीएस या अन्य कानून के तहत ला करके उसको जो निषिद्ध किया है, लेकिन कुछ ऐसे चीजें हैं जैसे अल्कोहल है या सिगरेट है या उसमें कोई रोक नहीं, लेकिन मेरा फिर भी ये कहना है कि आप एंजॉय करने के लिए मनोरंजन करने के लिए अगर किसी चीज का सेवन करते हैं कीजिए, उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन आप सेवन करें धीरे धीरे ऐसी स्थिति ना बन जाए कि वो आपका सेवन करें। बस यही एक सीमा जो है, एक महीन लाइन है, उस महीन लाइन के पहले रहने की कोशिश करें, उसको लाने में तो क्रॉस नहीं, अन्यथा फिर समस्याएं बढ़ेंगी। आप सिर्फ मानसिक रूप से शारीरिक रूप से अक्षम नहीं होंगे, बल्कि आपकी जो आर्थिक स्थिति है वो भी दयनीय हो जाएगी और सामाजिक प्रतिष्ठा तो धूमिल होना ही होना है, क्योंकि जब आप कभी किसी नाले में गिरे हुए मिलेंगे तो आप स्वयं सोच सकते हैं आपको कौन कौन चाट रहा होगा, सुअर भी चाट रहे होंगे, कुत्ते भी चाट रहे होंगे, बच्चे जा रहे होंगे स्कूल, वो भी आपको देख के हंसेंगे। तो ऐसी स्थिति में आप कल्पना कर सकते हैं कि आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा में कितने चार चांद लग जाए। तो एक बहुत ही सरकास्टिक में मैंने बोला इसको समझने की बात। इसके बाद एज ए पुलिस में मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो मादक पदार्थ होते हैं, जो ड्रग्स होते हैं, वो सिर्फ सामाजिक भ्रष्टाचार का एक स्वरूप नहीं है, बल्कि ये एक इकोनॉमी है, एक दो नंबर की इकोनॉमी है, एक काला बाजारी है, ब्लैक मनी का बहुत बड़ा सोर्स है, टेररिज्म का बहुत बड़ा सोर्स है। ये सोर्स है उन सभी अनैतिक चीजों का जो समाज की व्यवस्थित जो ऑर्डर है, जो सिस्टम है समाज का, उसको ध्वस्त करता है या ध्वस्त करने की प्रक्रिया में। फॉर एग्जाम्पल अभी बताया डॉक्टर साहब ने फोटो भी देखा, AK-47 के साथ ओपियम उगा रहे हैं या फीम उगा रहे हैं। क्या मतलब? अफगानिस्तान में ओपियम इतना क्यों हुआ? क्योंकि जो टेररिज्म की इकोनॉमी है उससे चल रही, जो दो नंबर के हथियार की इकोनॉमी है उससे चल रही, जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग होता है, लड़कियों का व्यापार होता है, देह व्यापार होता है या बच्चों का व्यापार होता है, अंग का व्यापार होता है, उसकी इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा आधार है ड्रग्स। तो हमें इस चीज को समझना होगा। वक्त जैसे मैंने बोला कि हमें नॉइस मतलब चिल्लाना होगा, हमें आवाज उठानी होगी इसके खिलाफ, तो निश्चित रूप से निश्चित हमें इसके खिलाफ आवाज उठानी होगी। अगला एक पक्ष ये भी है कि अब शर्म करने की घड़ी चली गई कि कोई इलाज नहीं कराना चाहता है, बीमार हो गया है तब भी सोचता है कि हम कैसे जाएंगे, लोग क्या बोलेंगे। लोग तो यूं भी बोलते हैं, आप उनको यूं भी चुप नहीं करा सकते, आप उनको तब चुप कराएंगे, आप एक एग्जांपल सेट करेंगे कि देखो मैं क्या था, हमारी जिज्ञासा थी और भविष्य हमारा अच्छा कैसे होगा, शुभ कैसे होगा, इसके लिए हमारा प्रयास, हमारी सोच और पहले कि एक प्रकार से हमारा जो कहते हैं हमारा विचार, हम क्या एक मापदंड बनाते हैं, उन सभी चीजों को पॉजिटिव। जितने भी वक्ता यहाँ पे आए जिन्होंने भी अपने विचार व्यक्त किए, मैं उनका धन्यवाद देता हूँ। अगर आप भी कहीं उनकी 10 बातों में से
एक बात भी हमारा जो बैठा हुआ है वो सीख ले, वो शरीर करे अपने जीवन में, अपने जीवन शैली में परिवर्तन लाए उसे, तो निश्चित रूप से उनकी तरफ से मैं आपका धन्यवाद देता हूँ और मैं अपने आप को सफल मानूंगा। ये कार्यक्रम हमारा बहुत ही सफल है। आगे मैं आज इस मंच के माध्यम से एक पत्रकार बैठे हुए हैं, मैं ये बताना चाहूंगा कि इस पूरे कार्यक्रम में हमें एनसीएल की तरफ से बहुत सहायता मिली। आप देख रहे हैं और ये जो हमारा एक सामाजिक सरोकार है, इसको ये लोग सीएसआर बोलते हैं, हम पुलिस में उसको कम्युनिटी पुलिसिंग बोलते हैं। ये सामाजिक सरोकार का हम लोग